दोस्तों अपनी चाय कॉफी लेकर आराम से रजाई में बैठ जाइए, क्योंकि बाहर तो ठंड हो ही रही है लेकिन हमारी वीडियो का भी पारा आज गिरने वाला है, क्योंकि आज हम आपको दुनिया भर में रिकॉर्ड किए गए कुछ ऐसे खतरनाक टेम्परेचर के बारे में बताने वाले हैं जिसमें पानी तो क्या इंसान भी जमने लगते हैं। अब ये टेम्परेचर कब, कहां और कैसे रिकॉर्ड हुए, इसे जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो वाकई में आपके दिमाग को घुमाकर रख देगी। प्रोस्पेक्ट क्रीक, अलास्का। दोस्तों अलास्का में मौजूद ये जगह लगभग सुनसान है, उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका की सबसे ठंडी जगह भी है। हालांकि शुरुआत में इस छोटे से टाउन में भी लोग रहा करते थे, लेकिन जब से यहां पर -80 डिग्री फारेनहाइट का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है तब से ये जगह लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय बन गई, क्योंकि 1971 में जब यूएस में ठंड पड़ी तो उसका सबसे रौद्र रूप यहीं पर देखने को मिला। यही कारण है कि बहुत मुश्किल से लोग यहां पर रहने के लिए आते हैं, और अगर आप भी कभी यहां पर जाएं तो आप ये कह सकते हैं कि आप पूरे यूएस के सबसे ठंडे इलाके में गए हैं। अब वो बात अलग है कि यहां जाने के बाद आपको कोई दिखाई नहीं देगा, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने इस जगह को टाटा बाय बाय कह दिया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की ठंड है और फार्मिंग जैसी चीज यहाँ पर अब लगभग नामुमकिन है। हाँ, अगर किसी को ठंड का मजा लेना है तो वो जरूर यहाँ पर जा सकता है। ओए मायाकोन। अब आइए आपको साइबेरिया के ओए मायाकोन गांव के दर्शन करवाते हैं, जिसका कुछ हिस्सा रशिया में भी आता है। दोस्तों 2010 की गणना के मुताबिक यहाँ पर करीब 500 के लगभग लोग रहते हैं, और वो कैसे रहते हैं ये हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, और साल 1924 में यहाँ पर -49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, और इतनी ज्यादा सर्दी होने के बावजूद यहाँ पर रहने वाले लोगों ने सरवाइव कर लिया। अब आप खुद ही समझ लीजिए, अगर 0 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर हो जाए तो इंसान की कुल्फी जम जाती है, लेकिन यहाँ के लोग इतने एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में रहने को तैयार हैं, क्योंकि इतनी भयानक ठंड में आंखों की पलके तक जमने लगती हैं। अब ये यहाँ पर रहने वाले लोगों का जज्बा है या फिर पागलपंती, क्योंकि इतनी बुरी तरह से यहाँ पर ठंड पड़ती है कि अगर पानी भी फेंक दिया जाए तो पल भर में बर्फ बन जाता है, और शायद यही चीजें यहाँ पर रहने वाले लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसलिए जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो यहाँ के मौसम से कोई शिकायत नहीं करते। दोस्तों हमने बताया साइबेरिया दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है, जहाँ की ठंडी इंसानों को पूरी तरह से पागल करने में जुटी रहती है, और यहाँ का टेम्परेचर गिरकर -50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, क्योंकि ठंड में यहाँ पर हालत इतनी खराब हो जाती है कि कोई भी 15 मिनट से ज्यादा बाहर नहीं रुक सकता, उसे कहीं ना कहीं कोई गर्म जगह ढूंढनी पड़ती है, वरना यहाँ पर इंसान की कुल्फी बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर होने वाली ठंड से खुद को बचाने के लिए लगातार चलते रहते हैं, ताकि इनकी बॉडी मूवमेंट से इनके शरीर में गर्माहट आए और ये यहाँ की ठंड को झेल सकें। यहाँ पर ठंड पहले उतनी ज्यादा नहीं पड़ती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले कुछ सालों से यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ने लगी है। हालांकि ठंड धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों को इसकी आदत सी हो गई है। इसी वजह से यहाँ पर कई सारे लोग रहते भी हैं जो इस भयानक ठंड को झेलकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। वोस्टॉक स्टेशन, अंटार्कटिका। दोस्तों बस 2 साल पहले वैज्ञानिकों ने दुनिया में रिकॉर्ड किए गए सबसे ठंडे टेम्परेचर के बारे में बताया था, क्योंकि अंटार्कटिका में वोस्टॉक स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाता है कि ये किसी दूसरे प्लेनेट की तरह लगता है। नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे, वाकई में इस जगह का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, जो कि ठंड के मौसम में -144 फारेनहाइट यानी कि लमसम -97 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। और अगर आपको अभी भी अंदाजा नहीं हो रहा कि इस टेम्परेचर में कितनी ठंड होती है, तो हम आपको बता दें यहाँ खड़े होकर मात्र 2 बार सांस लेने में ही आपके फेफड़े दर्द होने लगेंगे, और थोड़ी देर बाद अगर आपने इस जगह पर सांस ले ली तो आपके फेफड़े जम जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इंसान को मौत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों यूं तो अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी जगह है, लेकिन ये एक्सट्रीम टेम्परेचर वाकई में होश उड़ाकर रख देता है, क्योंकि पूरी दुनिया में भले ही झुलसा देने वाली गर्मी क्यों ना हो रही हो, इस बात से इस जगह में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा ठंडी की ठंडी बनी रहती है। याकुस्ट, द कोल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। चलिए सबसे पहले ठंड के बारे में आपको कुछ फन फैक्ट्स बता दें। दोस्तों -20 डिग्री सेल्सियस में आपकी नाक में मौजूद मॉइस्चर यानी कि नमी जमने लगती है,
सांस लेने में भी दिक्कत शुरू हो जाती है। -35 डिग्री सेल्सियस में आपकी स्किन के ऊपर वाली परत पूरी तरह से सिकुड़ने लगती है। और भाई साहब, -45 डिग्री में तो आपने जो ज्वेलरी वगैरह अपने शरीर पर पहनी होंगी वो सब ठंड से जमने लगेंगी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ठंड किस तरह का कहर ढा सकती है। ऐसे में दोस्तों, ईस्टर्न साइबेरिया में मौजूद याकुस्ट नाम के इस शहर में ठंड इसी तरह का कहर लोगों पर बरसाती है। पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ने के बावजूद यहाँ पर 2 लाख के करीब लोग रहते हैं और पागल कर देने वाली ठंड में अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। लंडन थामेस रिवर फ्रीजेस ओवर। दोस्तों, 1684 में ब्रिटेन के लोगों को जबरदस्त ठंड देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर ठंड के मौसम में काफी अच्छी खासी ठंड पड़ती है, लेकिन इतनी ही नहीं कि लोग मौसम की वजह से घर से बाहर तक न निकल पाए। इसी वजह से उस साल पड़ने वाली ठंड काफी ज्यादा अचानक से आई थी, जिसके लिए लोग तैयार भी नहीं थे। इस तरह के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में जब लोगों को रहने की आदत नहीं होती है तो चीजें उनके लिए और ज्यादा कठिन हो जाती हैं। और यही चीज उस साल यहाँ के लोगों को देखनी पड़ रही थी, जिसमें कई सारे लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए नए नए तरीके निकाल रहे थे। और अभी भी जब यहाँ के लोग उस साल की ठंड को याद करते हैं तो उनके मुंह से बस एक ही चीज निकलती है, बाप रे बाप, ऐसी ठंड कभी किसी को झेलनी ना पड़े। क्योंकि उस साल की ठंड की वजह से यहाँ पर मौजूद पानी भी जमकर बर्फ बन गया था और लंदन में बर्फ की 28 सेंटीमीटर की मोटी परत चढ़ चुकी थी। नॉर्दर्न ग्रीनलैंड। दोस्तों, हाल ही में एक्सपर्ट्स ने 29 साल पुरानी वेदर रिपोर्ट के बारे में बताया कि नॉर्दर्न ग्रीनलैंड में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि -94 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसके बारे में तो ये बताया जाता है कि अपने समय का सबसे कोल्ड टेम्परेचर था जो उस समय नापा गया था। हालांकि इसके बारे में पता जरूर बाद में चला, लेकिन जब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तो हर कोई हैरान रह गया कि इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी लोगों ने कैसे सर्वाइव कर लिया। वैसे तो यहाँ का टेम्परेचर हर समय ठंडा होने की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी, पर जब से यहाँ के टेम्परेचर के बारे में बातें ऑफिशियल हुई है तब से यहाँ पर रहने वाले लोगों का डर काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मौसम कभी भी पलटवार कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को इससे भी ज्यादा भयानक परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। स्नैग यूकॉन। दोस्तों, अलास्का हाईवे के पास मौजूद स्नैग नाम की जगह पर कभी बहुत से लोग रहा करते थे और ये पूरा एक गांव हुआ करता था, लेकिन जब से मौसम की मार इस जगह पर पड़ने लगी तब से इस जगह को लोगों ने अलविदा कहने में ही अपनी भलाई समझी। वैसे यहां से दूर जाने वाले लोगों का एक ये भी कारण था कि इस जगह में सबसे पास का गांव भी 5 मील की दूरी पर बसा हुआ था, जो इस जगह को और भी ज्यादा सुनसान बना रहा था। ऐसे में कौन इतने एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और इतने कम लोगों के साथ रहना पसंद करता, इसलिए धीरे धीरे सब ने इस जगह को छोड़ दिया, क्योंकि 1947 में यहाँ का टेम्परेचर -81 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच गया था। इसके अलावा भी जो लोग यहाँ पहले रहा करते थे उनका कहना था कि यहाँ की सर्दी दिमाग को भी जमा देती है, क्योंकि कुछ लोगों ने महसूस किया कि इस जगह पर पड़ने वाली ठंड की वजह से उनका दिमाग काम करना बंद हो गया था, जो कि काफी ज्यादा रेयर है। इंटरनेशनल फॉल्स, मिनेसोटा। दोस्तों, US में मौजूद इस जगह को यहाँ के आइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब आप समझ जाइए कि जिसका नाम इतना ठंडा है वो जगह कितनी ठंडी होगी। वैसे तो इस जगह ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन इसका सबसे भयानक रिकॉर्ड -46 डिग्री है। पर फिर जब -55 डिग्री की ठंड यहाँ पर रिकॉर्ड की गई तो लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए। हालांकि ये रिकॉर्ड अभी भी बना हुआ है, लेकिन ये शहर धीरे धीरे और ज्यादा ठंडा होता चला जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब -55 डिग्री का रिकॉर्ड टूट जाएगा। इसलिए अगर आपको अमेरिका के सबसे ठंडे शहर में रहना है तो ये शहर आपका खुले दिल से स्वागत करता है। अल्टनहारा, कोल्डेस्ट टाउन इन ब्रिटेन। दोस्तों, ब्रिटेन के इस टाउन को पहले से ही यहाँ का सबसे ठंडा इलाका कहा जाता है। यहाँ पर 1995 में -27.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, यानी कि इस टेम्परेचर में अगर आप सांस लेने जाएंगे तो आपको इतनी तकलीफ होगी कि आप खुली हवा में 5 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। और अब तो यहाँ पर टेम्परेचर और भी ज्यादा ठंडा हो रहा है, क्योंकि ऑफिशियल्स की माने तो यहाँ पर बढ़ती ठंड को देखकर यहाँ रहने वाले लोगों को ये कह दिया गया है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा परेशानी देखनी पड़ सकती है, इसलिए वो अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ ले, क्योंकि बढ़ती ठंड की सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें होती है जिन्हें उस ठंड में रहने की आदत नहीं है, जैसे कि हम और आप। बाकी आप किस शहर में रह रहे हैं और आपके शहर में ठंड ने क्या हाल किया है, उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।